Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your own channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Excretory system of earthworm. यानी हम आज अर्थवर्म के एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इसमें एक्सक्रीशन होता है, कैसे होता है, है ना. ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट वी रीड फॉर इटेनियन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आफ्टर दैट विल वी राइट ईच एंड एवरीथिंग विद अ सिंपल एंड इजी मैनर. सो स्टूडेंट विद मी, लेट स्टार्ट. सो एक्सक्रेटरी सिस्टम अकर्स एज सेगमेंटली अरेंज कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रिडिया. मैंने आपको बताया था अर्थवर्म में क्या होते हैं. नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. एक्सक्रेटरी ऑर्गन अकर्स एज सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूब्यूल कॉल्ड नेफ्रिडिया. अर्थवर्म में जो होगी नेफ्रिडिया पाई जाएंगी. इनका जो सिंगुलर होता है, ये नेफ्रिडिया तो प्लूरल वर्ड है, बट इसका जो सिंगुलर है वो क्या होगा, नेफ्रिडियम. किसी भी सिंगुलर के लिए हम आई एम लगा देते हैं, आई यू एम लगा देते हैं. ठीक है, वो हमारा सिंगुलर हो जाता है. तो नेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. ठीक है. दे आर थ्री टाइप. जो हमारे नेफ्रिडिया होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन से नेफ्रिडिया होते हैं वो हम देखते हैं आगे. नेफ्रिडिया आर थ्री टाइप. नेफ्रिडिया जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं. पहला नेफ्रिडिया होता है सेफल नेफ्रिडिया, है ना, सेप्टल नेफ्रिडिया, सॉरी सेप्टल नेफ्रिडिया. यानी सेप्टा में पाया जाएगा, सेप्टल नेफ्रिडिया होगा. ठीक है. प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा, यानी इंटर सेगमेंटल सेप्टा में पाया जाएगा दोनों तरफ. ठीक है. जो कि सेगमेंट होता है 15 टू लास्ट सेगमेंट डेड ओपन इनटू इंटेस्टाइन, है ना. जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं ये हमारे दोनों साइड में इंटर सेगमेंटल सेप्टा में पाए जाएंगे. जो कि सेगमेंट का कहाँ से होता है, इंटर सेप्टल का सेगमेंट जो होता है वो होता है 15 टू लास्ट सेगमेंट, है ना. यानी 15वें सेप्टम से सेगमेंट से वो लास्ट सेगमेंट में पाया जाएगा, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, यानी अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में ओपन होंगे सेप्टल नेफ्रिडिया. ठीक है, याद रखेंगे. उसके बाद जो होता है सेकंड हो गया इंटोगमेंट्री नेफ्रिडिया. इंटोगमेंट्री नेफ्रिडिया, इसका फंक्शन क्या होगा, ये कहाँ पे पाया जाएगा ये देखते हैं. इंटोगमेंट्री नेफ्रिडिया अटैच टू लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट थर्ड टू लास्ट डेट ओपन ऑन ए द बॉडी सरफेस, है ना. सो इंटोगमेंट्री नेफ्रिडिया जो होगा ये बॉडी वॉल, है ना, लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल, यानी बॉडी वॉल में जो लाइनिंग होगी, है ना, जो पतली सी लाइनिंग होगी, कवरिंग होगी, उससे अटैच्ड होगा. और ये थर्ड टू, है ना, ये तीसरे सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट में पाया जाएगा. तीसरे सेगमेंट से थर्ड टू लास्ट सेगमेंट में पाया जाएगा, जो कि कहाँ पे ओपन होगा, बॉडी सरफेस में ओपन होगा, है ना, बॉडी सरफेस में ओपन होगा. तो ये बॉडी सरफेस में क्या करेगा, बॉडी सरफेस को मॉइस्ट करेगा. ये बॉडी सरफेस में ओपन होगा तो ये क्या करेगा, मॉइस्ट बॉडी सरफेस. यानी एंटोगमेंट्री नेफ्रिडिया जो होगा अर्थवर्म की बॉडी को मॉइस्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, उसकी बॉडी में मॉइस्ट करेगा तो उसकी बॉडी जो होगी वो सूखेगी नहीं. ठीक है, उसमें नमी बनी रहेगी. अब थर्ड क्या हुआ, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, है ना. फेरेंजियल नेफ्रिडिया ये कहाँ पे हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट थ्री पेयर, है ना, थ्री पेयर टफ इन 4, 5, 6, है ना. 4, 5, 6 सेगमेंट में एक टप होता है, यानी मतलब एक टप का मतलब हो गया गुच्छे, यानी बंच. ठीक है, बंच यानी ये गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होंगे, है ना, गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होंगे, टप के रूप में प्रेजेंट होंगे, जो कि तीन पेयर होगा, है ना. फेरेंजियल नेफ्रिडिया तीन पेयर होंगे, 4, 5, 6 सेगमेंट में पाए जाएंगे, है ना. 4, 5, 6 सेगमेंट में और भी कुछ पाया जा रहा था. 4, 5, 6 सेगमेंट में क्या पाया जा रहा था, हमारा ब्लड ग्लैंड पाई जा रही थी, जो कि ब्लड सेल
बना रही थी, मैंने देखा था, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। 4, 5, 6 सीमेंट में क्या ब्लड ग्लैंड पाए जाएंगी और क्या पाया जाएगा, फरेंजियल निफ्रिडिया पाए जाएंगे जो कि 3 पेयर होते हैं, ठीक है। दीज डिफरेंट टाइप ऑफ निफ्रिडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये निफ्रिडिया जो हैं ये डिफरेंट टाइप के तो हैं, है ना, सेप्टल निफ्रिडिया है, फरेंजियल निफ्रिडिया है, इंटोगमेंट्री निफ्रिडिया है, ये डिफरेंट टाइप के निफ्रिडिया हैं, बट ये बेसिकली जो होता है ना ये इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। टेस्ट में ये दिखाएगा दीज डिफरेंट टाइप ऑफ निफ्रिडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी इनका स्ट्रक्चर जो होगा सेम होगा। और निफ्रिडिया का काम क्या होता है, निफ्रिडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूड। जो निफ्रिडिया होंगे ये हेल्प करेंगे किसमें, एक्सक्रीशन में। निफ्रिडिया क्या करेंगे, बॉडी वॉल्यूम है ना, रेगुलेट वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूड, बॉडी फ्लूड के कंपोजिशन को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि निफ्रिडिया होते हैं ये स्क्रेटी फंक्शन में हेल्प करते हैं, तो यानी बॉडी वॉल्यूम को, बलून को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे और बॉडी के फ्लूड को जो कंपोजिशन है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। निफ्रिडिया स्टार्ट आउट एज ए फनल, है ना, जो निफ्रिडियम होते हैं, यानी निफ्रिडियम, यहाँ पे हमको एक निफ्रिडिया के बारे में बताया गया, ईएम लग गया, यानी सिंगुलर एक वचन के बारे में बताया गया, सिंगुलर हो गया ये वर्ड, क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ। कभी हमसे पूछ लेता है कि निफ्रिडियम का प्लूरल क्या होगा और निफ्रिडिया का सिंगुलर क्या होगा, तो हम याद रखेंगे। ए निफ्रिडियम स्टार्ट आउट एज ए फनल डेट कलेक्ट एक्सेस फ्लूड फ्रॉम सिलोमिक चैम्बर, है ना। एक निफ्रिडियम स्टार्ट होता है, एक निफ्रिडियम से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि एक्सेस जितना भी फ्लूड होता है ना, जितना भी फ्लूड होता है सिलोमिक चैम्बर से वो कलेक्ट कर लेती है। एक्सेसिव फ्लूड जो होगा सिलोमिक चैम्बर से वो कलेक्ट कर लेगी। सिलोमिक चैम्बर जो होगा, सिलोमिक से हमारा सिलोमिक फ्लूड निकलेगा अर्थवर्म की बॉडी, है ना, बॉडी सरफेस में, तो उसको मॉइस्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। द फनल कलेक्ट विथ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द निफ्रिडिया विच डिलीवर द वेस्ट थ्रू ए पोर सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल इन टू द डाइजेस्टिव ट्यूब, है ना। तो इसका मतलब यही है, जो फनल होगी, फनल कनेक्ट विथ ए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ निफ्रिडियम, जो फनल होगी वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ निफ्रिडियम से कनेक्ट होगी। विच डिलीवर द वेस्ट थ्रू ए पोर ऑफ सरफेस इन बॉडी वॉल, जो कि वेस्ट को डिलीवर करेगी बॉडी वॉल की सरफेस से, है ना, थ्रू बॉडी वॉल सरफेस इनटू डाइजेस्टिव ट्यूब, है ना, डाइजेस्टिव ट्यूब में वो बॉडी वॉल की सरफेस से होते हुए डाइजेस्टिव ट्यूब में वेस्ट को वो डिलीवर करेगी, है ना। डाइजेस्टिव ट्यूब में वेस्ट डिलीवर हो जाएगा तो वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है एनएस के थ्रू वो जब डाइजेशन हो जाएगा तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी वो जब हमारा फिकल मेटल बाहर आएगा तो उसके थ्रू एनएस से वो बाहर आ जाएगा वेस्ट मटेरियल, इस वजह वो डाइजेस्टिव ट्यूब में डिलीवर करती है, ठीक है। हमको फिगर दिखाया गया है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया गया है उसमें देखते हैं। ये हमको माउथ दिखाया गया है, माउथ जो होता है जिससे अर्थवर्म क्या होता है अपने सॉयल पार्टिकल को इंडेज करता है, वो खाता है सॉयल पार्टिकल को, है ना, डिकेइंग लीफ को खाता है। उसके बाद जो वक्कल सेगमेंट होता है, उसके बाद क्या हुआ, वक्कल सेगमेंट हुआ, वक्कल कैविटी का सेगमेंट हुआ, इसको 1, 2, 3 सेगमेंट में जो होता है वक्कल सेगमेंट होता है, इसको वक्कल सेगमेंट जो होता है 1, 2, 3 सेगमेंट में होता है। उसके बाद क्या है, डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया, है ना, जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया से होती हुई डक्ट जाएगी तो उसको हम डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया बोलेंगे, ठीक है। वक्कल कैविटी के बाद क्या है, फेरिंग्स आया है ना, फेरिंग्स के बाद फेगस आता है, उससे फेगस पर गिजार्ड आता है, तो इसमें हमको इसका स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में दिखा रहा है, तो इसमें गिजार्ड वगैरह एसोफेगस के बारे में नहीं बताया गया है, बट मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ अच्छे से एलिमेंटिक वाला जब दिखाया था फिगर, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसके बाद हमारे वक्कल कैविटी के बाद क्या गया, फायरिंग्स आएंगे, है ना, फायरिंग्स आएंगे और ब्लड ग्लैंड जो पाई जा रही थी 4, 5 और 6 सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड पाई जा रही थी, ठीक है। और इसमें क्या है, टफ ऑफ फेरेंजियल निफ्रिडिया, है ना, टफ ऑफ फेरेंजियल निफ्रिडिया, यानी फेरेंजियल निफ्रिडिया का बंच, मैंने आपको बताया था ना टफ क्या होता है, यानी गुच्छा, ठीक है, बंच यानी गुच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटोगमेंट्री निफ्रिडिया, है ना, ये फेरेंजियल रीजन पे पाए जा रहे हैं इसलिए इनको फेरेंजियल निफ्रिडिया बोलेंगे, है ना। और ये भी इंटोगमेंट्री निफ्रिडिया, इंटोगमेंट्री निफ्रिडिया जो थे, इंटोगमेंट्री निफ्रिडिया क्या थे, बॉडी वॉल पे
ओपन हो रहे थे, बॉडी वॉल पे ओपन हो रहे थे, यानी बॉडी सरफेस पे, इसके बॉडी वॉल पे ओपन हो रहे थे बॉडी की सरफेस पे, तो इसको बॉडी की सरफेस को क्या कर रहे थे, मॉइस्ट कर रहे थे, है ना। इसकी अर्थवर्म की जो सरफेस मॉइस्ट होती है तो एंटोगमेंटिन निफ्टिया के द्वारा ही होती है। उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ एंटोगमेंटिन निफ्टिया, यहाँ पे देखो एंटोगमेंटिन निफ्टिया यहाँ पे डॉट 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 दिखाया गया है, बट यहाँ पे बहुत घने घने टाइप में दिखाया गया है ना, बहुत 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 माइन्यूट माइन्यूट देखो बहुत सारे दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब हुआ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल ऑफ एंटोगमेंटिन निफ्टिया, यानी एंटोगमेंटिन निफ्टिया जो पाई जाएंगी यहाँ पे बहुत ही संख्या में पाई जाएंगी, बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाएंगी, इसीलिए हमको बताया गया फॉरेस्ट ऑफ एंटोगमेंटिन निफ्टिया, है ना। और लास्ट में क्या दिखाया गया है, सेप्टल निफ्टिया, लास्ट में बताया गया सेप्टल निफ्टिया, सेप्टल निफ्रिडिया के बारे में बताया गया है। तो ये सारे निफ्रिडिया, फायरेंजियल निफ्रिडिया, एंटोगमेंट्री निफ्रिडिया और सेप्टल निफ्रिडिया, ये अलग अलग निफ्रिडिया तो हैं बट इनका जो स्ट्रक्चरली बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना, इन तीनों का सेम स्ट्रक्चर है, मैंने आपको टेस्ट में भी बताया था, ठीक है, जो एनसीईआरटी के टेस्ट बुक में जो लिखे थे वो मैंने आपको बताया था कि सभी का सेगमेंट स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है बट इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के निफ्रिडिया हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा मेरा लेक्चर। सो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम नर्वस सिस्टम और अपर्थवम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, स्टूडेंट विथ मी।